Good morning, students and parents. Hope you all are doing well. Today we will do in book 3. We will do page number 10. Okay, students. Now you also open your book and take out page number 10 and take out your pencil and eraser. Okay, in this we will do ascending order. Ascending order 2. Okay, ascending order means what? सबसे small number, उसके बाद उससे बड़ा भी, उससे भी, और उसके बाद उससे भी, और उससे भी. Okay, in this way we have to arrange the numbers. Okay, here write the given numbers in the ascending orders. यहाँ पे आपको ये numbers दिए हैं. Okay, इसको हमने ascending order में arrange करना है. तो first of all हमें इसमें से ये देखना है कि सबसे small number कौन सा है. 9, 11, 8, 10. इसमें सबसे small number कौन सा है? 8. Okay. तो first number क्या आएगा यहाँ पे? 8 आएगा. Okay. 8 से big कौन सा है? 9. Okay. 9 से big कौन सा है? That is 10. और 10 से big कौन सा है? 11. Okay. यहाँ पे gifts जो है वो भी ऐसे arrange की हुई है जिसमें small है उसके बाद थोड़ी सी big है और ये वाली big उससे थोड़ी big है और ये वाली जो है वो सबसे big है. Okay students, so first of all हमें इसमें से पहले small number ढूंढना और उसको यहाँ पे लिखना है. So यहाँ पे small number कौन सा है? 8. Okay, so we will write here 8. Okay, 8 से one digit big कौन सा है? That is 9, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है. Okay, so we will write here 9. Okay, after 9 which number comes? 10. Okay, वो उससे 9 से one digit बड़ा है. So we will write here 1, 0, 10. Okay, after 10 there will be again one number, that is 11. Okay, वो क्या है? वो उससे भी one digit बड़ा है. So 11. In this way we have to arrange this number. Okay, now here there is another number, 17, 15, 16, 18. Okay, here ये नंबर को हमें अरेंज करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें से सबसे स्मॉल कौन सा है? सबसे स्मॉल कौन सा है? 15 है. 15 से स्मॉल कोई है? नहीं है. ओके, तो ये जो फर्स्ट गिफ्ट है उसमें कौन सा नंबर आएगा? 15 आएगा. और यहाँ पे भी गिफ्ट कैसे लिखा है? पहले स्मॉल गिफ्ट है, उससे थोड़ा बिग गिफ्ट है, उससे और बड़ा है और यहाँ पे सबसे बड़ा है. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल नंबर. यहाँ पे कौन सा है? 15. 15 से स्मॉल कोई नहीं है. ओके, 1, 5, 15. आफ्टर दैट हियर देयर विल बी अनदर स्मॉल नंबर, दैट इज 1, 6, 16. और 16 से स्मॉल कौन सा है? वन डिजिट कौन सा बड़ा है? दैट इज 17. 17 से वन डिजिट कौन सा बड़ा है? दैट इज 1, 8, 18. ओके स्टूडेंट, सो इन दिस वे वी हैव अरेंज्ड दिस नंबर 15, 16, 17, 18. ओके स्टूडेंट, नाउ हियर देयर इज अनदर नंबर. यहाँ पे कौन सा है? 15, 14, 13, 16. ओके, इस नंबर को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. पहले स्मॉल, उसके बाद थोड़ा उससे एक डिजिट बढ़ा, उसके बाद वाला एक डिजिट बढ़ा और उसके बाद वाला उससे एक डिजिट बढ़ा. और यहाँ पे आप गिफ्ट देख सकते हो, यहाँ पे स्मॉल है, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी है और उसके बाद वाली उससे थोड़ी सी बड़ी है और उसके बाद वाली बड़ी है, सबसे बड़ी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से स्मॉल डिजिट ढूंढेंगे. Here is 1, 3, 13. 13 से कोई small है? नहीं है. Okay. So first of all we will write here 13. 1, 3, 13. Okay. 13 से one digit कौन सा बड़ा है? 1, 4, 14. Okay. After that 14 के बाद एक digit कौन सा बड़ा है? 1, 5, 15. Okay. After 15 which digit will be going to come? वन डिजिट कौन सा बड़ा? 1, 6, 16. ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव टू अरेंज दिस नंबर्स. असेंडिंग ऑर्डर में पहले स्मॉल, उसके बाद एक डिजिट जो उससे बड़ा होता है वो, उसके बाद वाला जो बड़ा होता है वन डिजिट वो देखना है
और उसके सबसे बड़ा जो है बोर्ड लिखना है हमें. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट दिस थिंग. ओके, देयर आर रिमेनिंग टू एक्टिविटीज आल्सो. यहां पे और भी दो बॉक्सेस आपके बुक में है, जो दो दूसरे दो जो नंबर अरेंज करने that you do it yourself. After that, you tell your mama to take a photo and send it to me. Okay, students? Now, thank you, students and parents. Stay safe at home.